स्वागत है आपका सियासत में, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। सियासत में आज बात करेंगे कांग्रेस की, जो कि अपनी हार के एक महीने बाद लगता है अब हार पर चिंतन और मंथन करेगी। लेकिन सवाल बहुत सारी जहन में है, जिन पर इस पूरे कार्यक्रम में हम करेंगे चर्चा। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस हार के कारणों पर मंथन करने वाली है। देर सवेर पार्टी ने हार की वजह को खोजना शुरू तो किया है, लेकिन सवाल है कि आखिर जिस हार का कारण सब जानते हैं, उसी हार को लेकर पार्टी एक महीने बाद क्यों मंथन करने वाली है। 29 नवंबर को होने जा रही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में वो भी आएंगे जो चुनाव में हार गए, और वो भी आएंगे जिनको इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, जिला ब्लॉक कार्यकारिणी में विभिन्न पदों पर रहे नेताओं, महिला कांग्रेस सेवा दल संयोजकों को भी बुलाया जाएगा। 10 साल तक हरियाणा की सत्ता में काबिज रहने वाली कांग्रेस 10 साल बाद अपने 10 का दम ना दिखा सकी, जिसके पीछे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे बड़ी और अहम वजह माना गया। पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव का तो इस मामले में यहाँ तक कहना है कि जमीन और नौकरियों में हुए भेदभाव के कारण ही कांग्रेस की हार हुई। जीती कांग्रेस अब खुद को आगे के लिए तैयार कर रही है, लेकिन सवाल है कि जिस पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ ही हमला करने वाले लोग हों, भला उस पार्टी में संतुलन बनाना कैसे मुमकिन होगा। बहरहाल कांग्रेस की हालिया हालत को देखते हुए ये बैठक जहाँ काफी अहम मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए कांग्रेस को अंदरूनी विवाद सुलझने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो मंथन परिवर्तन और कांग्रेस अब पूरे हार के मंथन पर जुट चुकी है। एक महीने बाद हार पर मंथन करने के लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज चेहरे एक साथ होंगे। 20 नवंबर को ये पूरी बैठक होगी। चलिए इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं वीरेंद्र चौहान, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, एक महीने बाद हार के कांग्रेस खेमे में अब हार पर मंथन किया जा रहा है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगे। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है ये, लेकिन एक महीने बाद भी उनको ध्यान में आ रहा है और वो ईमानदारी से विश्लेषण करें तो उनके लिए भी और भारत के प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा होगा कि वो जरा झांक के देखें कि वो कौन से कारण थे जिनके चलते उन्होंने बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे, नंबर वन हरियाणा और न जाने कौन कौन से किस किस तरह के की बातें उन्होंने जनता के सामने की थी, उसके बावजूद वो कारण क्या थे कि जिनके चलते प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया जी। आज भी वो उन कारणों पर मंथन कर लें और सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूँ एक स्वस्थ जनतांत्रिक परंपरा का निर्वहन वो करेंगे जी। लेकिन साथ ही जोड़ूंगा, ये उनका आंतरिक मामला है, वो आज मान लें और ना भी माने उनकी अपनी मर्जी है, भारतीय जनता पार्टी को उसमें कुछ विशेष जोड़ना नहीं है। बिल्कुल बीरेन जी, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त खजान सिंह हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। खजान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी सुन रहा हूँ। बहुत स्वागत है। एक महीने बाद हार पर मंथन करेगी कांग्रेस, आखिरकार इतनी देर से ये मंथन क्यों हो रहा है? देखिए, अभी नया नया जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी को, हम चाहते हैं भाई ये कुछ करके दिखाएं, लेकिन इन्होंने अभी तो इनका फर्स्ट इम्प्रेशन पुअर इम्प्रेशन जा रहा है। नेशनल लेवल पर 5 महीने और 6 महीने हो गए। खजान सिंह जी, इस पर बाद में आएंगे। खजान सिंह जी, जो मेरा सवाल आपसे है, सवाल ये है कि क्या मंथन एक महीने बाद जो किया जा रहा है हार के बाद, अब क्यों मंथन किया जा रहा है एक महीने बाद? देखिए, तो पार्टी की वर्किंग होती है, पार्टी का अपना ऑर्गेनाइजेशन का हमारा अपना फैसला है, वो मंथन क्या है उस पर हमने रणनीति बनानी है अपनी, क्या कैसे हम पार्टी को काम करना आगे। और इनको इनको जो मौका मिला है, इन्होंने अभी तक जो वादे दिए पहले ही मुकर गए, पहले वादे में ये बुजुर्गों को हरियाणा। खजान सिंह जी, ठीक है ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहती है, चलती रहेगी, इस पर लौटेंगे। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जनादेश का सम्मान करना चाहिए इनको। नहीं नहीं, लेकिन लेकिन जो विषय आज का है उस विषय पर हम चर्चा कर ले। खजान सिंह जी,
क्या हार के एक महीने बाद ये जो मंथन हो रही है, क्या इस मंथन और बैठक से, या जो आप कह रहे हैं कि जो रणनीति बनाई जाएगी, आपके शब्दों में जो रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की, ये जो बिगड़ी सूरत है, ये सूरत क्या समर सकती है? हार जीत होती रहती है और हम हार स्वीकार करते हैं। हम लोगों ने जनादेश का स्वीकारा है, मानते हैं भाई जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए, अभी ये विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। खजान सिंह जी, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आप बीजेपी पर ना जाए, वीरेंद्र चौहान जी की बातों को थोड़ी देर के लिए भूल जाए आप। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की ये जो मंथन बैठक है जिसमें आप कह रहे हैं कि रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्या इस मंथन बैठक में कांग्रेस की जो बिगड़ी सूरत है वो बदलने की कवायद की जाएगी? क्या इस पूरी बैठक से कांग्रेस बार बार इन तूफानों से निकली है, बार बार कांग्रेस के सामने इस तरीके के लोकतंत्र में आते रहते हैं और ये लोकतंत्र में हार और जीत होती रहती है। कांग्रेस फिर दोबारा से मजबूती से उभर कर आएगी। आपको मैं बता दूं जल्दी, ये जो इनको जनादेश मिला है ये तो आपके सामने होगा, जल्दी उभर जाएंगे क्योंकि इनके बस की नहीं है सत्ता लोगों की सेवा करना। ठीक है खजान सिंह जी, एक और सवाल, क्या पार्टी के खिलाफत करने वाले तमाम नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है इस पूरी बैठक में? क्या इस बात पर भी फैसला लेना मुमकिन है? देखिए, पार्टी का जब मीटिंग होगी उसमें तय होगा, पार्टी का जो एजेंडा है वो उसके मुताबिक ही मीटिंग होगी और मीटिंग में पार्टी का एम्पावरमेंट कैसे हो, पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, किस तरीके से हम दोबारा खड़े हों, किस तरीके से लोगों की सेवा करें, किस तरह के लोगों के बीच में जाएं, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है खजान सिंह जी, ये एक अलग मसला किस तरह से लोगों के बीच जाएं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कुछ धुरंधर योद्धाओं के आरोप भी लगे कि उनको बैकफुट पर कर दिया गया, उनको पीछे खींच लिया गया, उनको उनकी हार की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं की थी, क्या कुछ ऐसे बड़बोले जो नेता हैं या जिन्होंने साफ तौर पर फ्रंट पर आकर खिलाफत की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का भी कोई एजेंडा इस पूरी बैठक में है? देखिए, वो तो पार्टी की मीटिंग होगी, पहले इन एडवांस में कोई भी बात नहीं बताई जा सकती है। जब पार्टी की मीटिंग होगी उसमें तय होगा, उसके मुताबिक जो भी बातें होंगी आपको बताई जाएंगी। लेकिन ये तो पार्टी का संगठन को मजबूत करने के लिए, दोबारा से हमारे अभी अगले साल में चुनाव भी डू है संगठन के और कई मुद्दों पर चर्चा होगी, उन सब मुद्दों पर पार्टी की मीटिंग में ही चर्चा होगी। जैसे मीटिंग में जो भी चर्चाएं होंगी तो आपको बता दिया जाएगा समय पर, उचित समय पर। ठीक है खजान सिंह जी, आप बने रहिए, वीरेंद्र चौहान जी की तरफ कर लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी, हालांकि सारा का सारा आदेश ज्यादा फोकस जो था खजान सिंह का वो सिर्फ और सिर्फ आप पर और बीजेपी पर था, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि आप अब तो विपक्ष की भूमिका निभाना छोड़ दे, कम से कम अब तो उनका पीछा छोड़ दे। मुझे देखिए, खजान सिंह जी ने जिस अंदाज में आपके सीधे सपाट सवालों का उत्तर दिया उससे एक बात साफ है कि कांग्रेस और कम से कम उसके हरियाणा के नेता आज भी आत्मनिरीक्षण के मूड में नहीं है, भीतर झांकने के मूड में नहीं है। आपने उनसे पूछा कि आप क्या मंथन करने वाले हैं, खजान सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा पर आ गए। खजान सिंह जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है, कौन सी नींद में है, क्या आप कह रहे हैं, कहां आप इनको भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में नजर आ गई? भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने प्रदेश को गवर्न करने का, प्रदेश में सुशासन लाने का एक जनादेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के इस कार्यकाल में प्रूव करके अपने आप को दिखाएगी कि जिसके लिए उसको काम सौंपा है प्रदेश की जनता ने, उन वायदों पर, उन पैमानों पर हम खड़े उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वीरेंद्र जी लौटेंगे आपके पास, निशांत सिंह जी भी इस वक्त इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। निशांत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी निशांत सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल ये है कि हार के एक महीने बाद मंथन और परिवर्तन के दौर में लग रहा है कांग्रेस है, एक महीने बाद हालांकि अब एक बैठक होगी जिसमें हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया, ये देर सवेर का मंथन नहीं लगता आपको? देखिए, कांग्रेस का जो कल्चर है वो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मंथन कितना भी हो लेकिन कांग्रेस के नेता बिल्कुल हाईकमांड से बेलगाम रहते हैं। हरियाणा में अगर देखा जाए तो पूरे 10 वर्षों तक आपसी लड़ाई रही, कभी इस लड़ाई का लाभ भी मिला? मैं मान के चलता हूँ कि सभी लोगों ने ये कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, चाहे भजनलाल जी थे, चाहे हुड्डा जी थे, चाहे क्या नाम है इंद्रजीत जी थे, हर क्षेत्र से उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, खूब वोट मिले और सोनिया जी ने एक कर दिया, उनको लाभ मिला। लेकिन कहीं सरकार परफॉर्म करने के बाद पूरे 10 वर्षों तक कांग्रेस की लड़ाई जो भीतर
आपकी इन फाइटिंग थी इनकी वो चलती रही, तो अब वो चरम सीमा पे पहुंची हुई थी। तो रिजल्ट तो इस तरीके के आने ही होते हैं। मंथन कितना भी हो, मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस का कल्चर ऐसा हो चुका है कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, दूसरे को नेता मान लेना, ऐसा शायद इनके अंदर अभी नजर नहीं आ रहा। जैसे अभी कांग्रेस विधायक दल का हरियाणा में जो नेता बनाने की बात थी, तो कितने नाम आए। छोटी सी बात को लेकर भी ये कहा गया कि सोनिया जी के पास प्रस्ताव भेजेंगे, जो भी करेंगे मंजूर होगा। मतलब 15 लोग भी आपस में बैठ करके इसको तय नहीं कर पाए, जबकि विपक्ष का नेता नहीं बनना था, तो और नेता विधायक दल का नेता था। तो इन चीजों से लगता है कि कांग्रेस का कल्चर कुछ अभी बेलगाम है। बिल्कुल निशान सिंह जी, आपके इस बात का जवाब मैं खजान सिंह जी से लेना चाहूंगी। खजान सिंह जी, साफ तौर पर निशान सिंह जी भी ये कह रहे हैं और बीरेन चौहान जी ने भी ये कहा कि जिस तरह का रवैया है और जिस तरह कांग्रेस के इतिहास को अगर टटोलें तो लगता नहीं है कि मंथन और चिंतन की बैठक भले कर ली जाए लेकिन जो हालात है वो सुधरने वाले नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने बार बार लोगों के सामने इम्तिहान दिया है और कांग्रेस फ्रीडम फाइटर्स की और मार्टर्स की, शहीदों की और स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है और कांग्रेस की बड़ा स्वर्णिम इतिहास है। इन लोगों को शायद ये नहीं पता है ये सब, ये तो लेकिन खजान सिंह जी, इतिहास तो अब इतिहास तो अब इतिहास रह गया है। फ्रीडम फ्रीडम की, खजान सिंह जी, फ्रीडम की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, पार्टी में बहुत बड़े बड़े चेहरे रहे जिन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि पार्टी में आपको फ्रीडम बचा है। मेरी बात का जवाब पूरा होने दीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर नेता कांग्रेस से गए हैं और लोकदल में अधिकतर नेता कांग्रेस से गए हुए हैं और कांग्रेस का रिजेक्टेड माल है इन लोगों के पास। ये पता नहीं किस अपने कौन से उसमें है, कौन सी दुनिया में है। मैं ये नहीं समझता, लोकदल को सारा रिजेक्टेड माल है कांग्रेस का ही। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाई, हमारे 5 तो मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस से ही गए हैं और ज्यादातर एमएलए भी कांग्रेस से गए हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा मेरे लायक दोस्तों को, अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अपनी पार्टी को सत्ता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, उनको लोगों की सेवा करनी चाहिए। किसान आज पूरा हरियाणा का किसान रो रहा है, पूरे सड़कों पर खड़ा है, पूरा जो है आज जगह जगह बलात्कार। खजान सिंह जी, अब मेरा सवाल ये है, बलात्कार हो रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए ये जगह नहीं दे पा रहे हैं उनको सर्दी के मौसम में। दस सालों में आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, हमारी 10 सालों में अपराध की बाढ़ नहीं थी खजान सिंह जी, 10 सालों में अपराध की बाढ़ नहीं थी। प्रदेश को नंबर वन बनाने के दावे किए गए, क्या महज 1 महीने में अपराधों की बाढ़ आ गई? कानून व्यवस्था पूरी तरह से हमारी सरकार ने बिल्कुल बना कर रखी और अपराधियों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। ठीक, चलिए चलिए, विषय से इतर मुद्दा है। हालात बिगड़ गए हैं, किसान आज सारा सड़कों पर है, किसान जो है रो रहा है, बर्बाद हो गया, किसान को बर्बाद कर दिया इन्होंने। और एक महीने में प्रदेश का किसान बर्बाद हो गया, 10 सालों में प्रदेश में बदली का दौर नहीं था। ठीक है, ये दीगर बात है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे खजान सिंह जी। लेकिन आपने पार्टी के स्वर्णिम इतिहास की बात की, आपने कहा बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर पार्टी से जुड़ चुके हैं, इसमें रह चुके हैं, लेकिन ना तो पार्टी में फ्रीडम बची है। जैसा कि सारे तमाम जिन बड़े नेताओं ने पार्टी को छोड़ा, उन्होंने कहा ये वन मैन शो बनकर रह गया है, फ्रीडम रही नहीं, फाइटर बस रह गए हैं जो आपस में ही सरफुटोवल कर रहे हैं। आखिरकार पार्टी इनसे निपटे तो निपटे कैसे? देखिए, जो लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, हार जीत से ये नहीं समझ लिया जाना चाहिए कि पार्टी कोई किसी पार्टी का कोई जनादेश पूरे देश में खत्म हो गया। हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें अच्छे लोग हैं पार्टी में और लोकतंत्र में है ही है, जीत हार तो होती रहती है। लोगों को कुछ पसंद नहीं आया तो उन्होंने जनादेश नहीं दिया तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सम्मान जनादेश दिया तो उनको उसके मुताबिक लोगों को किसानों की बात सुननी चाहिए। इन्होंने वादे किए थे किसान सड़कों पर है, इन्होंने सफाई कर्मियों को वादे किए थे सफाई कर्मी। बीरेन चौहान जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक बात बार बार वो कह रहे हैं कि पार्टी का स्वर्णिम इतिहास रहा है, ऐसे बहुत सारे भंवर से पार्टी निकलकर उभरी है, सामने आई है और अब जो है दारोमदार बीजेपी के ऊपर है। ठीक है, हम उसका सम्मान करते हैं, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? बीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। हेलो जी, बताएं। मैं खजान सिंह जी को सिर्फ ये याद कराना चाहता हूँ कि फ्रीडम फाइटर्स की जिस पार्टी का चित्र तो वैसे आपने खींच दिया कि वहाँ फ्रीडम बची नहीं, केवल फाइटर बचे हैं। और अगर ये वापस फ्रीडम फाइटर्स के युग की बात करें तो उसी पार्टी में महात्मा गांधी शिखर नेता हुए, जिन्होंने आजादी आते आते ये भी कहा था कि अब इस कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, इसको भंग कर देना चाहिए। तो खजान सिंह जी और उनकी पार्टी ने उनका आदेश भी नहीं माना,
जाना, आज ये लोग मुझे लगता है अप्रत्यक्ष रूप से अपने कुकृत्यों से कांग्रेस को समाप्त करने में लगे हुए हैं। कभी कभी लगता है महात्मा गांधी की इच्छा को तमन्ना पर फूल चढ़ा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बीरेन चौहान जी, बीरेन चौहान जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम लेंगे आगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। खजान सिंह जी, आपसे भी बातचीत जारी रखेंगे और निशान सिंह जी, आपसे भी हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। लार्जेस्ट कैंपस, मोर देन 1800 स्टूडेंट्स, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप्स एंड लैब्स, एडवांस्ड कोर्सेज, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. खुद को कहाँ देख रहे हैं अब आप, आने वाली राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, खुद को आप कहाँ देखते हैं? मैंने कभी भी खुद के बारे में सोचने का कभी अधिकार रखा ही नहीं है, और मेरा तो हर एक कार्यकर्ता को ये कहना होता है कि भैया अपने बारे में सोचने का अधिकार मत रखो। इनेलो की बात करें तो उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो जमीनी राजनीति से दूर है। इनेलो का तो पहले भी लोगों को पता है, देख लिया प्रशासन, वो दिन भूले नहीं है लोग, 2005 से पहले जो हरियाणा में परिस्थिति थी। लूटी रहा, लूटने में कमी, जब इस गुलाबी गैंग की पोल खुलनी शुरू हुई, जब इनको लगा कि अब ये गुलाबी गैंग पकड़ में आ जाएगी, तब इन्होंने अपने गुलाबी गैंग के कुछ सदस्यों को किसी पार्टी में भेज दिया, किसको किसी में भेज। विपक्ष चुनाव से पहले वायदे करता है, सरकार भी करती है दोबारा आने के लिए, लेकिन वो वायदे सिर्फ वायदे रह जाते हैं, तो फिर ऐसे में क्या? दुर्भाग्य है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के काम का आकलन उनके घोषणा पत्र के आधार पर नहीं किया गया। लाइफ एक जगह हो गई। ये मैं आरोप नहीं लगाता, ये आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, हर व्यक्ति यही कहता है कि बिल्कुल ये भेदभाव हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी जानबूझ के आपको हराना चाहती थी कि इस गठबंधन को तोड़ने की उनके पास एक वजह मिल जाए? ये बिल्कुल उनका प्री प्लान्ड काम था, जो उनका इतिहास है, रीजनल पार्टी का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म करने का काम करो। क्या वो अपने आप को नरेंद्र मोदी के कद का समझने बैठ गए, इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं तो उनके बराबरी में बोलूंगा? वो अपने आप को क्या समझते हैं, ये मेरे से ज्यादा हजका के कार्यकर्ता उनको अच्छी प्रकार से जानते हैं। किस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के आप लेकर चलेंगे? हर खेत को पानी, दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन, तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े, और चौथा मुद्दा है बाजार मिले। ऐसा क्या है कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री हुड्डा को बदलना नहीं चाहती? मैं कहूँगा कि हुड्डा के दलाल आज भी बीजेपी और दूसरी जगह आज भी है हरियाणा में और फरीदाबाद में। खटाक आपकी तरफ से रहा, उनकी तरफ से रहा, रिश्ते कुछ कभी सुधरते थे कभी बिगड़ते थे। हुड्डा सरकार नहीं है, ये कांग्रेस सरकार है।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सियासत में। सियासत में हम बात कर रहे हैं, दरअसल 20 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस की एक बैठक होने जा रही है जिसमें हार के तमाम कारणों पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर इस पूरी बैठक में की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा चुनाव में इस बार महज 15 सीटों तक पार्टी सिमट कर रह गई है। बड़े बड़े धुरंधरों ने विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी का दामन तोड़ा और जिन्होंने पार्टी का दामन थाम कर रखा वो चुनाव हार गए, तो इसका जो ठीकरा था वो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ दिया। तो ऐसे में सवाल ये कि इस पूरी बैठक का एजेंडा क्या हो सकता है, क्या मंथन और बैठक से कांग्रेस की बिगड़ी सूरत बदल पाएगी? हार के एक महीने बाद आखिरकार मंथन की याद क्यों आई है? क्या पार्टी के खिलाफत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो वो किस सूरत में हो पाएगी, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए वीरेंद्र चौहान हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जिस सवाल पर मैंने ब्रेक से पहले आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का अभी भी मूड नहीं है आत्मनिरीक्षण का जी। कांग्रेस अब भी कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया के अंदाज पर चाहिए। आप उनसे सवाल करते हैं अमृतसर के बारे में, वो तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं जी, बिल्कुल। आप उससे बरसात का सवाल पूछते हैं, वो सूखे की बात करते हैं। आप उनसे बात करते हैं कि आप हार क्यों हुई, वो भारतीय जनता पार्टी सीट पर टिप्पणी करते हैं। एक साथ जनादेश के स्वागत की बात करते हैं, दूसरे ही साथ वो 15 दिन पुरानी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो विरोधाभास इतना ज्यादा है, विरोधाभास उनकी बातों में भी है, उनके चिंतन में भी है। और अगर ये विरोधाभास उनके 9 साल के आचरण में नहीं रहता तो शायद हरियाणा की जनता हमको भी मौका नहीं दे सकता का उसकी सेवा करने का। ये कहते कुछ रहे, नंबर वन हरियाणा की रट लगाते रहे और हरियाणा की दुर्गति होती रही, ये सबके समान विकास की बात करते रहे और भेदभावपूर्ण आचरण करते रहे, बिल्कुल ये सुशासन की बात करते रहे और राजनेताओं को लूट की खुली छूट देते रहे। तो जो जो इन्होंने किया है अब उसका आत्मसमर्पण करने बैठेंगे तो बहुत दर्द होगा। मुझे नहीं लगता कि वो दर्द करने का इनका मूड है, अपनी ही सर्जरी करने का साहस। बिल्कुल वीरेंद्र चौहान जी, एक 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 और प्रश्न मेरा आपसे ये है, जैसे आपने कहा कि लगता नहीं कि आत्मनिरीक्षण के मूड में है, तो क्या ये भी माना जाए कि बड़े नेता जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की है उन पर भी कार्रवाई करने का साहस पार्टी जुटा पाएगी? देखिए, फिलहाल तो कांग्रेस के आंगन में ना उठापटक है, कांग्रेस के आंगन में कंफ्यूजन का माहौल है, कौन क्या करने वाला है अभी कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मान लीजिए कैप्टन अजय यादव जिस तरह की बातें करते रहे, हमारी शैलजा जिस तरह की बात करती रही हैं, कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कांग्रेस के नेतृत्व को, या तो कुमारी शैलजा और कैप्टन यादव बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस उठाएं, गलत नहीं कर बोल रहे हैं तो जो गलत है यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम के निर्णय गलत है तो साफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोनों में से एक स्थान तो इनको एक स्थान को लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में से एक स्टैंड नहीं लेते तो अर्थ ये है कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की जनता को गुमराह करने का काम पहले भी किया है, आगे भी अलापने वाले हैं। जब तक गुमराह करने का सिलसिला जारी रखेंगे तब तक को वापसी की राह नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता अगले 10-15 साल कांग्रेस को कहीं हरियाणा में सत्ता में वापसी की डगर मिलने वाली है कि वो रास्ता ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र चौहान जी हमसे इस तमाम बातचीत के लिए आपका। खजान सिंह जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निशान सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तीन खास मेहमान, लेकिन सवाल अभी वही जस का तस है, क्या आत्मनिरीक्षण के वाकई मूड में है कांग्रेस? क्योंकि मंथन, परिवर्तन और कांग्रेस के लिए कितना अहम है ये खैर समझना और समझाना दोनों ही काफी इस वक्त अहम पड़ाव पर है, अहम मोड़ पर है। कांग्रेस को अब हार का मंथन करना है और उस मंथन के बाद क्या कांग्रेस में जो बिखराव है वो बिखराव सही हो पाएगा, क्या कांग्रेस की बिगड़ी हुई सूरत बदल पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। सियासत में इतना ही, नमस्कार।